गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिलन शाह फ्रॉम इजी लर्निंग सेंटर बारडोली। आज हम लोग सीखेंगे द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का पार्ट थ्री। पार्ट टू वीडियो में हम लोग यहां तक समझ चुके थे, अभी यहां से बाकी है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल इन डिफरेंट सेक्टर्स। द चेंज इन प्रोडक्शन इज नॉट कंपेटेबल विद चेंज इन एम्प्लॉयमेंट। मतलब ये कहना चाहते हैं कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि प्राइमरी सेक्टर से सब कंट्रियां सेकेंडरी पे जाने लगी, मतलब सेकेंडरी में प्रोडक्शन जाना ज्यादा होने लगा, और अभी धीरे धीरे सेकेंडरी से टर्सरी पे मूव हो रहे। अभी टर्सरी बहुत फैल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो भले प्राइमरी का जो प्रोडक्शन है वो कम है, जीडीपी कम है सेकेंडरी और टर्सरी से, लेकिन जॉब देने वाला जो सेक्टर है वो अभी भी प्राइमरी ऊपर है, फर्स्ट नंबर पे है। सबसे ज्यादा जॉब प्राइमरी में मिलती है लोगों को, यानी जो काम है वो प्राइमरी में मिलता है। सेकेंडरी यानी इंडस्ट्री सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर इतनी जॉब नहीं दे पाता, या जो टर्सरी सेक्टर है सर्विस सेक्टर वो भी इतनी जॉब नहीं दे पाता जितना प्राइमरी सेक्टर दे पाता है। द शेयर ऑफ द प्राइमरी सेक्टर इन जीडीपी ऑफ द कंट्री इज जस्ट 20%, बट आफ्टर 65 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इट स्टिल एम्प्लॉइज मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन। प्राइमरी सेक्टर का जो हिस्सा है ना, 20% ही रह गया है अभी तक जीडीपी में, ग्रॉस प्रोडक्शन में, लेकिन जॉब अभी भी 50% लोगों को देता है पूरे कंट्री को। इंडिया की बात है ये। द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज दैट द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर हैव नॉट क्रिएटेड इनफ जॉब्स टू एनेबल अ सस्टेनेबल सस्टेंशियल नंबर ऑफ पीपल टू माइग्रेट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू दिस सेक्टर्स। क्योंकि जो सेकेंडरी सेक्टर है और टर्सरी सेक्टर है वो उतनी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर पाया कि वो एग्रीकल्चर फील्ड में जो काम करते लोग थे ना, वो छोड़ के सेकेंडरी और टर्सरी में जॉब या बिजनेस करना चालू कर दे, इतना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पाए वो लोग इसलिए। दूसरा एक दिक्कत मुझे ये भी लगती है कि जो सेकेंडरी सेक्टर है और टर्सरी सेक्टर है ज़्यादातर वो टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि 50 लोगों का काम एक ही मशीन कर देती है। कभी कभी कुछ चीज़ों में तो 500,000 लोगों का, 10,000 लोगों का काम खाली एक मशीन कर देती है। तो डेफिनेटली कम इंसानों में काम चल पाए ऐसा होता है सेकेंडरी में और टर्सरी में, जबकि एग्रीकल्चर में अभी टेक्नोलॉजी इतनी आई नहीं है। दूसरा कि बहुत काम ऐसे है कि मशीन से होंगे ही नहीं ठीक से, उसके लिए लेबर चाहिए ही चाहिए, इसलिए डेफिनेटली वहाँ ज़्यादा लोगों को काम दे पाएंगे। जबकि यहाँ भले प्रोडक्शन बढ़ता रहे, जब भले फैक्ट्रियाँ बढ़ती रहे, इंडस्ट्रीज बढ़ती रहे, लेकिन काम तो कम लोगों को ही मिलेगा। कम से कम लोगों में काम हो ऐसा वो ट्राई करते हैं, जिससे सैलरी ना देनी पड़े। प्राइमरी सेक्टर में ऐसा सीन बहुत है, यहाँ दिया हुआ है कि भाई डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है। अब ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, उसमें फर्क क्या है? अनएम्प्लॉयड यानी जिसको कोई काम धंधा नहीं मिला, जॉब नहीं मिला, अनएम्प्लॉयड बेरोजगार फ्री बैठा हुआ है, उसको काम करना है, ही विश टू डू द वर्क बट मिल ही नहीं रहा उसको। लेकिन डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कुछ अलग तरह का है। ऊपर से लगेगा कि वो काम कर रहा है, उसको काम मिला, लेकिन फिर भी नहीं मिला होगा। तो एग्जांपल समझते हैं। ऐसा मानिए कि किसी के पास 5 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ जमीन हैंडल करने के लिए घर का एक आदमी काफ़ी है, यानी एक भाई काफ़ी है, लेकिन घर के 3 भाई वो 5 एकड़ जमीन हैंडल कर रहे हैं, एक की ज़रूरत है, 2 एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। तो ऐसा तो बाहर से लगेगा कि वो जो दूसरा और तीसरा भाई है उसको काम मिला, वो काम कर रहा है, वो बेकार नहीं बैठा है, वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, लेकिन उसको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट ही कहते हैं, क्योंकि वो 2 ना हो फिर भी वो 5 एकड़ जमीन में काम होता रहेगा, खेती होती रहेगी, तो बिना काम के लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि बाहर उनको दूसरा जॉब बिजनेस कुछ मिल नहीं रहा होगा इसलिए लगे होंगे, या कुछ और भी कारण होंगे। इसलिए ऐसा लगेगा बिजी है, काम मिल रहा है, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। इसका अगर मैं दूसरा ही वर्ड में कहूँ तो डिस्गाइज यानी हिडन, छुपी हुई, गुजराती हिंदी में उसको बोलते हैं छुपी बेरोजगारी, यानी छुपा हुआ है, ऐसा लग रहा है काम कर रहा है लेकिन छुपा हुआ है उसके अंदर बेरोजगार, उसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आगे देखते हैं।
एक लक्ष्मी वाला केस दिया है, लेकिन मैंने तो अपना खुद का एग्जांपल दे दिया है, इसलिए आप लोग ये पढ़ लेना। दूसरा इसमें दिया हुआ है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो अकर्स इन अर्बन एरियाज। वो तो रूरल एरिया की बात थी, अर्बन एरिया में भी आपको दिखेगा कैसे। वो बोलते हैं बहुत सारे प्लम्बर, पेंटर्स, रिपेयर वर्कर्स, और जॉब्स, कारपेंटर्स, ये सब जॉब की तलाश में, काम की तलाश में सिटियों में जाते हैं। पूरे दिन बैठे रहने के बाद भी, जैसे कि ऑटो वाले, मान लीजिए आप देखते होंगे बहुत सारे ऑटो वाले लाइन में खड़े होते हैं बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पे, वेट करते हैं, वेट करते हैं, वेट करते हैं। पूरे दिन में शायद एक आध कस्टमर, दो कस्टमर मिलते हैं, कभी कभी एक भी नहीं मिलता। तो वैसे लगता है कि वो ऑटो का काम मिला उसको चलाने का, लेकिन फिर भी वो कमा नहीं रहा। या फिर एक्चुअली हुआ ऐसा होगा, जैसे कि सूरत की बात करो तो करीबन मेरे ख्याल से 1 लाख जितने ऑटो वाले हैं, शायद वहाँ जरूर है ऑटो वाले 10 से 20 हज़ार ऑटो वालों की, लेकिन है वहाँ 1 लाख ऑटो वाले, यानी 80,000 जितने एक्स्ट्रा है। तो वो 80,000 जो ऑटो चला रहे हैं ना, वो सब डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहे जाएंगे, एक्स्ट्रा लोग चले गए हैं इसमें। क्यों? क्योंकि दूसरे सेक्टर्स में जॉब नहीं है, वो थोड़ा आसान काम है कि ऑटो ले लिया खुद का, तो वो भी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट सिटियों में बहुत दिखता है। अभी ये सब जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट के, जॉब नहीं मिलना, काम नहीं मिलना लोगों को, उसका सॉल्यूशन क्या है? तो उसका सॉल्यूशन अभी दिया हुआ है, ये क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट, कैसे जॉब की अपॉर्चुनिटी, काम की अपॉर्चुनिटी को बढ़ाया जाए। तो उसमें अलग अलग पॉइंट है, देखते हैं एक के बाद एक। टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर्स। टेक्निकल फैसिलिटीज लाइक इरिगेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ हाइब्रिड सीड्स, अवेयरनेस अबाउट मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर वुड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ अरेबल लैंड एंड इंक्रीज द रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन फोर्स इन एग्रीकल्चर। समझिए, इंडिया में आज भी बहुत सारी ऐसी जमीन है कि जिसमें खेती नहीं हो पाती। नहीं होने के कुछ कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण, वहाँ तक पानी पहुँचता ही नहीं है, बारिश के ऊपर डिपेंडेंसी है। बारिश आई नहीं आई, आई तो बारिश के सीजन में एक क्रॉप हो गया 4-6 महीने, फिर नहीं हुआ, पड़ी रही डेड। या फिर बहुत जगह बारिश होती ही नहीं ठीक से कि वो कल्टीवेट कर पाए। वहाँ पर अगर टेक्नोलॉजी के जरिए इरिगेशन फैसिलिटी पहुँचाई जाए, इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई जाए, और बोर करके वो पानी निकाल पाए, तो वो जो डेड पड़ी लाखों एकड़ जमीन है ना, उसमें खेती कर पाएंगे लोग, और वहाँ काम मिल जाएगा। वो एक रास्ता है। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ही एग्रीकल्चर आगे बढ़ेगा इस तरह से, वैसे ही सर्विस सेक्टर की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। मार्केट चाहिएगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी उनको चाहिएगी, स्टोरेज फैसिलिटी चाहिएगी, तो वहाँ भी जॉब इनडायरेक्टली क्रिएट होगी। यहाँ यहाँ अच्छा किया ना एग्रीकल्चर में, टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटी बढ़ा के, तो वहाँ तो जॉब बढ़ेगी, साथ साथ में ये सब सेक्टर को भी काम मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोशन ऑफ अलाइड एग्रीकल्चर। देयर इज अ नीड टू डाइवर्सिफाई द एग्रीकल्चर एज मोर देन 60% ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन इट। 60% लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, तो वहां से डेफिनेटली उनको डाइवर्ट करने की जरूरत है। लेकिन एक दूसरा रास्ता ये है कि फार्मर्स फार्मिंग करें, उसके साथ साथ खेत में दूसरा भी कोई काम जोड़ ले, दूसरा भी करें। द एग्जाम्पल, पैसिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का काम भी करें, फ्रूट्स ये सब लगाने का, वेजिटेबल्स। आपको पता होगा बहुत सारे जो फार्मर्स है, जैसे कि शुगर कैन की ऐसा कुछ लगाया, या फिर कोई फ्रूट्स का पूरा फार्म तैयार किया है, जैसे कि मैंगो का, तो बीच बीच में वेजिटेबल्स ये सब भी लगा देते हैं, दो काम एक साथ कर रहे हैं। तो ऐसा कर सकते हैं। एनिमल रेयरिंग फॉर मिल्क, यानी पशुपालन भी साथ में खेत में कर सकते हैं साइड में, तो वहाँ से भी इनकम होगी उनकी। बी कीपिंग फॉर हनी, ये सब साथ में अलाइड एग्रीकल्चर कर सकते हैं, तो साइड इनकम एक चालू रहेगी, डबल बिजनेस होगा। फोकस ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड बैंक क्रेडिट। मोस्ट फार्मर्स डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट लाइक रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स एक्सेट्रा, हु चार्ज अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ज़्यादातर जो फार्मर्स है,
वो जब पैसों की जरूरत है खेती के लिए या किसी और काम के लिए, तो अपने रिलेटिव से मांगते हैं, फ्रेंड से मांगते हैं, ट्रेडर्स से मांगते हैं, या मनी लेंडर्स जो इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं ऐसे लोगों से मांगते हैं। वो लोग इंटरेस्ट रेट बहुत ही हाई चार्ज करते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, दूध बेचता है वो। अभी लास्ट वीक ही मेरी उससे बात हुई। उसने 7 लाख रुपीस कुछ लिए थे, शादी थी दोनों भाइयों की, तो 7 लाख रुपीस लेने पड़े थोड़े थोड़े करके 2 बार शादी में। मैंने कहा कितने इंटरेस्ट रेट पे लिए थे, कितना इंटरेस्ट भर रहे हो? उसने बोला कि हम लोग ने 3% इंटरेस्ट रेट पे लिए थे, यानी मंथली 3%, तो पूरे साल के 36%, तो 7 3 21, यानी हर महीने 21,000 का वो इंटरेस्ट भरता था। फिर 3 4 साल पहले मुझे चार 3 4 साल पहले मुझे उसने बताया था, इसलिए मैंने उसको बोला कि भाई बैंक में से लोन ले ले, वहाँ 10 10 12% में मिल जाएगा पूरे साल का, क्यों इतना इंटरेस्ट बनेगा। लिया उसने लोन, और लोन लेके वो जिस जिसके पास लिया था मनी लेंडर्स के पास, उसको दे दिए, लेकिन फिर भी अभी 2 लाख से ऊपर और भी बचा हुआ है देना। तो वो 2 लाख का 3% के हिसाब से वो अभी भी जो 6,000 के आसपास होता है वो इंटरेस्ट भर रहा है। कमाता कम है, गरीब है, उसमें 6,000 7,000 इंटरेस्ट में चले जाते हैं 3% के हिसाब से, इसलिए बेचारे वो लोग ऊपर ही नहीं आ पाते। तो वो ऐसा उनको ना करना पड़े, उसके लिए बैंक क्रेडिट की कोई फैसिलिटी करनी चाहिए। भाई प्रमोटिंग कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज इन रूरल एंड सेमी रूरल एरियाज विच कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर लार्ज नंबर ऑफ पीपल। गृह उद्योग जिसको बोलते हैं, कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, वो जितनी प्रमोट करेंगे डेवलप करेंगे उतना लोगों को उसमें काम ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि तो उसमें ज़्यादातर काम हाथ से किया जाता है या छोटी मशीनरी से किया जाता है, तो ज़्यादा लोगों को वो लोग काम दे पाते हैं, और लोकल लोगों को, लोकल गांव वाले को दूर नहीं जाना पड़ता। जैसे कि हमारे यहाँ अगर मैं बोलूँ एग्जाम्पल, तो लिज्जत पापड़ वालोड़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सी हो गई, या कॉटेज इंडस्ट्री, तो बहुत सारी लेडीज जो है वालोड़ और उस पर उसके आसपास के गांव की, उस सैकड़ों लेडीज को वहाँ काम मिलता है और सालों से काम मिल रहा है, क्योंकि लेडीज से दूर जाएगी नहीं, 50 100 500 किलोमीटर दूर, तो वहाँ गाँव में वो जा सकती है। तो ऐसी लिज्जत पापड़ जो है, ऐसी बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज डेवलप करने पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, तो रूरल एरिया में लोगों को काम उसमें भी मिलेगा। फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं, जैसे कि पोटैटो में से वेफर वेफर ये सब बनाने का, आम में से अचार बनाने की कंपनी है, ऐसी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज अगर डेवलप होगी तो जहाँ जो चीज़ कल्टीवेट हो रही होगी उसके आसपास वो फूड प्रोसेसिंग कंपनी लगेगी, तो वहाँ उन लोगों को जॉब भी मिलेगा जो लेबर है उनको। इम्प्रूवमेंट इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, गाँव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करना चाहिए, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, वेयरहाउस, मार्केट। इससे क्या होगा कि दूसरे गांव के साथ वो लोग कनेक्ट हो पाएंगे आसानी से। जैसे कि एक गांव है जिसमें 5,000 लोग रहते हैं, तो बहुत सारे लोग दूसरे गांव में या सिटी में इसलिए नहीं जाते होंगे जॉब बिजनेस के लिए, क्योंकि जाने का रास्ता ठीक नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ठीक नहीं होगी, बस नहीं आती होगी, ट्रेन नहीं आती होगी। वो अगर डेवलप किया जाए तो रेगुलर बस आएगी अगर, तो वो लोग जाएंगे दूसरी जगह काम करने के लिए। इसलिए खेत में ज़्यादा लोग नहीं जुड़ेंगे, जितने जरूर है उतने ही रहेंगे, बाकी सिटियों में या दूसरे गांव में जॉब बिजनेस के लिए जा पाएंगे। सो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, बैंकिंग फैसिलिटी, मार्केट वहाँ डेवलप करना चाहिए। इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर, देर इज ऑल्सो डर्थ ऑफ एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन इन द विलेज। अ स्टडी कंडक्टेड बाई द प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टिमेट्स दैट नियरली 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन द एजुकेशनल सेक्टर इटसेल्फ। एक स्टडी ऐसा बताता है कि एजुकेशनल जो सेक्टर है उसमें 20 लाख जॉब क्रिएट कर सके, ऐसा है। फिर हेल्थ सेक्टर की भी बहुत कमी है, रूरल एरिया में क्लिनिक आसानी से मिलती नहीं, हॉस्पिटल नहीं होती, दूर सिटियों में ट्रीटमेंट करवाना हो तो जाना पड़ता है, तो वो सब कुछ गांव के बीच में एक ऐसा करके हॉस्पिटल बना सकते हैं, 10 10 गांव, 15 गांव, 20 गांव, 25 गांव, 50 गांव के बीच में,
तो हेल्थ सेक्टर को वहां डेवलप करेंगे तो वहां भी लोगों को हेल्थ सेक्टर में काम मिलेगा। सम रीजन्स पजेस गुड पोटेंशियल फॉर टूरिज्म, सम फॉर रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री। दूसरा, बहुत सारी जगह हम लोग देखते हैं, आप देखते हैं तो आपको लगता होगा कभी किसी बीच पे चले गए या कोई नेचुरल जगह पे चले गए तो आपने ध्यान दिया होगा कि वो जगह अगर थोड़ा खर्चा करे गवर्नमेंट और उसको मस्त बनाए तो वहाँ अच्छा टूरिज्म डेवलप हो सकता है। लेकिन थोड़ा इन्वेस्ट करे, थोड़ा अच्छा बनाए उसको, थोड़ा वहाँ होटल वोटल खड़ी करे, क्लिनलीनेस ये सब चीज़ों पे ध्यान रखे, थोड़ा एकदम मॉडर्न बनाए वो जगह को, तो जितने लोग अभी वहाँ आते होंगे उससे 10 times, 20 times, 30 times भी लोग आएंगे। और अगर वो वहाँ ज़्यादा भीड़ हुई तो वहाँ के गाँव वालों को बहुत काम में मिलेगा। तो बहुत ऐसी बहुत सारी टूरिज्म की जगह है कि जिसको डेवलप करके करोड़ों जॉब्स बिजनेस वहाँ खड़े किए जा सकते हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक नरेगा करके स्कीम आया था 2005 में, वो देखते हैं उसके ऊपर, फिर तो बहुत मगजमारी भी हुई, अभी भी वो चालू है। इट प्रोवाइड्स लाइवलीहुड द पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, द स्कीम गारंटीज 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड इन 625 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। ये स्कीम कुछ ऐसा था कि 365 डेज में जो लेबर है उनको 100 days गवर्नमेंट काम देगी और वो काम के 100 days के पैसे देंगी, और अगर गवर्नमेंट वो काम ना दे पाई तो भी लेबर चार्ज तो देगी ही, यानी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी वो 100 days का काम देगी नरेगा स्कीम में। इसमें बबाल ऐसा हुआ कि अगर काम ना दे पाई फिर भी पैसे तो मिलेंगे, और 100 days में वो लोग तो चला लेंगे, 300 दिन 400 दिन भी चला लेंगे क्योंकि इतना खर्चा उनका होता नहीं है, रेशन कार्ड की दुकानों पे बहुत सस्ते में चीज़ें मिल जाती हैं उनको। इसलिए वो लोग आसानी से जो प्राइवेट दुकानें हैं या खेत है उसमें काम करने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि वैसे भी पैसे मिलने ही वाले हैं। सो ये स्कीम बना तो है लेकिन ठीक नहीं है कंट्री के लिए और उन लोगों के लिए भी ठीक नहीं है जिनके लिए बना हुआ है। अभी ये डिवीजन ऑफ सेक्टर्स चालू हो गया, इसको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। टाटा, बाय बाय।